एक मिनट बोलिए आप, और एक मिनट बोल सकते हैं, समाप्त हो गई आपकी बात। श्री नारायण बेनीवाल। सभापति महोदय, आज लंपी जैसी गंभीर बीमारी जो गौ माता में फैली है, उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बातें हमें किसी भी विषय पे हम गंभीरता की बात जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर सरकार इस पे कोई विशेष सत्र रखे। हालांकि मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस मामले में जब भी हमने इनसे संपर्क करने का प्रयास किया, इन्होंने हर संभव मदद का हमें आश्वासन दिया। अभी पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने ये बात जरूर कही कि लंपी जैसी बीमारी में हमने अपने विधायक कोष से 10-10 लाख रुपए, किसी ने कहा 15 लाख रुपए दिए, और ये सही बात है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी विधायक कोष से 10 लाख रुपए दिए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोगों को मैं ये परिपत्र, जो वित्त विभाग का जो एक आदेश है 29/8/2022 को, ये इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि वो पैसा जो एक किस्त, प्रथम किस्त जो 2.5 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक के सभापति महोदय माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा सत्ता में बैठे सभी लोगों को कि सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने लेटरहेड पे लिख के पोस्ट डालने से कोई लंपी बीमारी नहीं भाग जाएगी। पैसा सरकार ने दिया ही अब है, कल वो पैसा आया है। पहले ही आदेश निकाला कि प्रत्येक कलेक्टर जो 50 लाख की दवाएं खरीदने के लिए अधिकृत होंगे, उसके बाद ये निकाला कि ये नहीं होगा, अब आप सीएम रिलीफ का नया फंड जो बनाया है उसके अंदर आप पैसा दो। हमने 12 अगस्त को ये हमारे लेटर पेड पे जारी कर दिया था, लेकिन जब जानकारी वहाँ जिला परिषद से ली तब ये मामला संज्ञान में आया कि अभी सरकार ने पैसा ही नहीं दिया है, ये पैसा ही कल ये परसों में ही आया है। मैं अभी गौ सेवा आयोग के हमारे बाड़मेर से आने वाले माननीय विधायक महोदय भी विराजमान है और गोपालन मंत्री भी आए थे, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील है। ये बात ठीक है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, लेकिन आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी को इतना दुखी कर रखा है कि वो संवेदनशीलता में वो काम नहीं कर पा रहे। आप भी नागौर की गौशालाओं में आप और मंत्री महोदय आके गए, आप कहते हो ना राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होना है। आप ये सही बात है, लंपी जैसी बीमारी गौ माता का जब नाम छोटा सा एक बात बताऊं, जब जनप्रतिनिधियों को बुलाते तो कम से कम इसके अंदर कोई ना कोई बड़ा एक परिवर्तन हम लोग मिलकर कर सकते थे। गौ माता को बचाने के लिए पक्ष और विपक्ष सब लोग राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर प्रयास करें, और माननीय विधायकों ने पैसा दिया और सांसदों ने की बात जो कर रहे हैं आप कम से कम 25 सांसदों की बात मत कीजिए। एक सांसद RLP से जो जीत गए, उन्होंने सबसे पहले लंपी बीमारी का लोकसभा के अंदर जिक्र किया, आप लोगों ने सबने देखा, और हमारे उपनेता और हमारे माननीय कटारिया जी विराजमान हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा राजनीतिक विचारधारा को त्याग के, और ऐसा एक पत्र हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री जी को भी लिखना चाहिए कि MP है वो भी कम से कम इसके अंदर पैसा दे, क्योंकि ये सही बात है कि कोरोना के बाद सभी जो MP हैं उनका पैसा फ्रीज कर दिया सरकार ने, कोई जो विकास का पैसा वो जारी नहीं कर पा रहे हैं।
तो ऐसी कोई न कोई व्यवस्थाएं हम सब लोग मिलके और हमारे प्रयास रहे कि गौ माता को हम कैसे बचाएं, कैसे हम लोग इस बीमारी से। मैं दो दो तीन सुझाव जो है माननीय मंत्री जी को दूंगा। एक तो मृत जो गौवंश है इनको अंतिम संस्कार के लिए कहीं जगह उपलब्ध नहीं है, तो आप राजस्व मंत्री जी के साथ और संबंधित जो कलेक्टर है, हर गांव के अंदर ये स्थिति है, गायें जो खुले के अंदर पड़ी है, बहुत बड़ी महामारी फैलेगी, तो उनको कहीं ना कहीं जमीन चिन्हित करके जमीन भी अलॉट की जाए और पद भरे जाए। और एमएलए लेड के अंदर जो एम्बुलेंस वगैरह की बात हमारे माननीय विधायक उनकी, ये सब अलाउ यदि आप करेंगे, और एक सर्वे जो करा के और उचित मुआवजा भी किसानों को दिया जाए जिन दिन का गोवंश मरा है, और मुआवजे के अंदर। माननीय सभापति महोदय, आपका नाम बुलाने पर आप खड़े नहीं होंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गौ माता के जीवन के रक्षा के प्रति, पशुपालकों के हितों के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, लंपी वायरस से गायों के लगातार मौत हो रही है। धन्यवाद देना चाहता हूं उन गो भक्तों का, उन सामाजिक संस्थाओं का जो जोर शोर से जी जान से गौ माता को बचाने के लिए जुटी हुई है। माननीय सभापति महोदय, गौ माता की मेरे से दुर्दशा देखी नहीं गई, और एक गौ माता को कल मैं विधानसभा लेकर आया था, ₹2023 में कांग्रेस सरकार को लगेगा और इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगी गौ माता। मैं आपको दूसरा, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पिछले 3 महीनों से लंपी वायरस से गौ माताओं पर कहर बरसा रहा है। उस जानलेवा वायरस से अब तक 1 लाख से ज़्यादा गौ माताओं की दुखद मृत्यु हो चुकी है, साथ ही 10 लाख से ज़्यादा संक्रमित